है, लेकिन भाई साहब तो एकदम गजब इनका, मतलब पहला मुद्दा बुलडोजर है। बुलडोजर एकदम एक नंबर पे, बुलडोजर एक नंबर। हाँ एक नंबर, कार्रवाई होती रहनी। हाँ जारी रहे एकदम। अभी पक्ष कर रहा है एकदम, हो जा तेल हमसे लेना योगी। क्या तेल? अगर बुलडोजर नाम बता दी, विनोद गुप्ता। तेल देंगे बुलडोजर? हाँ तेल देंगे। कितना देंगे? जितना भरा जाए उसमें। हाँ चलता रहे वो बुलडोजर, रुके ना। हाँ, रुके ना। तो देखिए भाई साहब ने अपने तरफ से घोषणा कर दी बुलडोजर का, अगर तेल खत्म हो। क्या नाम बताया? विनोद गुप्ता। विनोद गुप्ता जी से बुलडोजर का तेल ले लीजिए। बस तो चल रहा है। क्या खाएं? कौन सा फ्लेवर लिए? गुटखा। गुटखा खाएं? बताइए गुटखा कितना नुकसानदायक? कमला पसंद खाएं? यो उनको एक एक वोट से सरकार गिर जाती है, आप कह रहे हैं हमारे कहने से। वो आप क्या कहते? हम कह के क्या करेंगे, हम अच्छाई कह के क्या करेंगे, जब पूरा देश गाय गोरु गोबर पर उलझ गया है। उसे न रोजगार से मतलब है, न उसे महंगाई से मतलब है, न इससे बिगड़ी हुई व्यवस्था से मतलब है। सारे विभाग खाली पड़े हैं, किसी विभाग में पैसा नहीं। दाएं से शुरू करें या बाएं से? बाएं से शुरू करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? अखिलेश कौशोधन। ये 10 में से कितना अंक देंगे? कम से कम 8 अंक। चाय तो बेच रहे हैं, क्या किया? ग्रेजुएशन मैंने किया। ग्रेजुएशन करके चाय बेच रहे हैं। अगर ज्यादा पढ़े लिखे होते हमें भी सरकारी नौकरी मिलती। बड़ा अच्छा बोल रहे हैं आप, बोलने की तैयारी नहीं। नहीं भैया ऐसा नहीं, अच्छा नहीं बोलना है। योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं दूसरे कार्यकाल के, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बेहतरीन रहा, पिछले जो 5 साल था इससे बेहतरीन काम था इस 100 साल में। क्या एक तरफ योगी जी ने कहा था कि शहर में अगर पानी लगा तो अधिकारियों की खैर नहीं, अधिकारियों की मनमानी के चलते। आप देख रहे हैं गोरखपुर पोस्ट। हम इस समय इंद्राबाल विहार के एक चाय के दुकान पे हैं और इसके बारे में कहा जाता है कि अगर गोरखपुर में क्या हो रहा है, राज्यों में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, ये राजनीति का एक गढ़ है। यहाँ से राजनीति कहिए तो खबरें निकलती हैं इंद्राबाल विहार से। तो इसी संदर्भ में हम यहाँ आए हैं, बगल में हमारे चाचा जी हैं, तो चाचा जी से बातचीत करेंगे कि योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है, एक तो 37 साल बाद ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करके दोबारा सत्ता में आया है। तो यही बात करेंगे कि बीजेपी यानी कि योगी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल कैसा रहा है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए चाचा जी हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशिभूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। चाचा जी पहले तो आप सब लोगों का हमारे चैनल गोरखपुर पोस्ट पर स्वागत है। योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? 100 दिन की प्रतिक्रिया ये है कि गोरखपुर के लिए योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की मनमानेपन के नाते कहीं कहीं फेल नज़र आता है। यानी योगी जी का नहीं, अधिकारियों के चलते? अधिकारियों के चलते, अधिकारियों की मनमानी के चलते योगी जी की प्रशासन की पोजिशन में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहीं जल भराव है, कहीं नाली ठीक नहीं हो रही है, कहीं मोहल्ले में लाइट कट रही है। अब तो 2-2 घंटे लाइट कट रही है, ये स्थितियां हैं। अभी देखा जाए एक तो बारिश से परेशान है किसान, परेशान है। आप भी कह रहे थे बड़ी गर्मी हो रही है ना। हाँ। पहले 5-5, 6-6 कप चाय हो जाता था, बमुश्किल 2 कप चाय हो रहा है। परसों भी बारिश हुई, जिस तरह से शहर में जल जमाव हुआ, दैनिक जागरण ने, अमर उजाला ने, सहारा के मुख्य पृष्ठ पे रहा कि किस तरह से जलभाव, जनता भी अपने अपने मोहल्ले का फुटेज सोशल मीडिया पे वायरल करती रही, हम लोगों ने भी चलाया। एक तरफ योगी जी ने कहा था कि शहर में अगर पानी लगा तो अधिकारियों की खैर नहीं, लेकिन उसके बाद भी तो कुछ नहीं हो रहा है। अधिकारी अपने हिसाब से चल रहे हैं, मुख्यमंत्री बेचारे महीने में 4 चक्कर गोरखपुर में रहते हैं, कुछ ना कुछ देते ही, और बहुत कुछ दिया उन्होंने। माननीय वीर बहादुर सिंह के बाद अगर कुछ काम किया है तो माननीय योगी जी ने काम किया है। योगी जी ने शहर को तो बढ़िया बनाने की कोशिश किया है, अधिकारियों के चलते नाकाफी हो रहा है। हम देखे 5 साल पहले वही नौका विहार था, रामगढ़ताल था, जलकुंभी से पटा हुआ एक लेन का रास्ता, मुख्यमंत्री आते हैं, आज वही तालाब कितने अवसर दे रहा है। मैं अभी पेपर में पढ़ रहा था कि कोलकाता की कोई फर्म है और क्रूज डिनर के लिए 7 लाख की बोली लगी थी और GDA की बेस प्राइस जो था वो 3 लाख का था। इस पे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम हो रहा है, काम तो बहुत अच्छा किया योगी जी ने। पर्यटन के हिसाब से गोरखपुर में कम से कम गोलघर घूमने की बजाय, इंद्राबाल विहार घूमने की बजाय नौका विहार पे भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई। कम से कम 50,000 परिवार की रोजी रोटी चल रही है,
इससे अच्छा काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं बेरोजगारी का अब भी वही आलम है, कहीं ना कहीं सरकारें जो वादा था, अभी मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, बेरोजगारी का कोई मतलब नहीं है। लड़का पढ़ेगा तो नौकरी पाएगा, पढ़ेगा ही नहीं। आप एक बात बता दें, मैं MA कर लूँ, PhD कर लूँ और क्वालिफाइड ना कर पाऊँ, एग्जामिनेशन टेस्ट एग्जामिनेशन ना क्वालिफाई कर पाऊँ, तो उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा विभाग तो इतना बेतरतीब है जिसकी कोई सीमा नहीं है। डिग्रियां तो बांट रहा है लेकिन पढ़ने की क्वालिटी अगर ख़राब है तो डिग्री लेके आप करेंगे क्या? तीन काम पूछेंगे। अगर इस सरकार को आप कह रहे हैं अच्छा काम कर रही है, अगर ये सरकार, आपका नाम आपने क्या बताया? दिनेश जायसवाल मेरा। जायसवाल जी, आप लोग आमतौर से BJP के वोटर होते हैं, किसको वोट दिया था? ऐसा कुछ किसको वोट दिया था? नहीं, वोट तो हमने BJP को दिया था लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे व्यापारिक जो एक वर्ग होता है, ये कहा जाता है ज़्यादातर BJP को शहरी वोटर मिलते हैं, है ना? आपसे सीधे ये पूछेंगे, तीन सवाल पूछेंगे, जो सरकार के सबसे अच्छे जो काम है जो आपको प्रभावित किया हो, जायसवाल जी बताइए। गोरखपुर मुख्यमंत्री दिया, गोरखपुर का लोकल मुख्यमंत्री दिया, गोरखपुर में विकास के नाम पे बहुत कुछ देने की स्थिति हो रही है। मुख्यमंत्री महोदय आते हैं गोरखपुर तो कुछ न कुछ दे के जाते हैं। 5-5 विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, वेटनरी यूनिवर्सिटी के लिए, वेटनरी मेडिकल कॉलेज के लिए जगह खोजी जा रही है। 10 में से कितना अंक देंगे योगी सरकार? कम से कम 8 अंक। चाचा जी, मतलब एक तो जैसे हमें पता चला पहले पत्रकार भी रहे हैं, थोड़ा सा इशारों में बात कर रहे थे, कुल मिला के 10 में से 8 नंबर अच्छे होते हैं योगी सरकार के 100 दिन के। भाई साहब हैं, क्या नाम पड़ेगा? गोलू वर्मा। तो वर्मा जी, क्या कहेंगे योगी सरकार के जो 100 दिन पूरे हुए हैं दूसरे कार्यकाल के, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सब सही है। क्या बढ़िया काम किया योगी जी ने? क्या बढ़िया काम किया? रोड चौड़ा हो रहा, बस बस अड्डा बना है बनारस वाला, बस तो चल रहा है। क्या खाएं? कौन सा फ्लेवर लिए? गुटखा। गुटखा खाएं? बताइए गुटखा कितना नुकसानदायक होता है। कमला पसंद खाएं? अरे तो ये चलिए ठीक है, सरकार के कार्यों से खुश हैं? ठीक है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? सर हम तो खुश ही हैं, और जो भी देखिए अभी आप यहीं का ही देख लीजिए, इसके पहले जो था कि यहाँ पे नालियाँ या फिर ये जो आप खड़े हैं जहाँ पे, यहाँ पे इतना पानी लग जाता था, मतलब आपको आज देखिए ये बन के कितनी सारी चीज़ें हो गई। आप उस पर बैठे के चबूतरा पूरा टूटा हुआ था, आप देख सकते हैं वो चबूतरा टूटा हुआ, चबूतरे को नीचे का देख लीजिए, ये चबूतरा पूरा टूट। करते हैं आप चाय तो बेच रहे हैं, क्या किया? ये ग्रेजुएशन मैंने किया, ग्रेजुएशन करके चाय बेच रहे हैं, तो क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? भाई सरकार में रोजगार नहीं मिले, आप रोजगार की जरा परिभाषा उनको समझाइए जो लोग कहते हैं। ना 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 ना, ये देखिए ये हमारी मेंटालिटी जो है ये हम लोग को चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम लोग इसी टाइप से मेंटालिटी पे रहेंगे कि आपने जो पहले यही हम लोग को सिखाया भी जाता है ना, कोई बचपन से कि बेटा पढ़ लो जॉब करो और तुम्हारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। कोई भी बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए या फिर कोई नहीं कर रहा। अभी जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मेरा अभी यहाँ 3 शॉप चलती है, मेरा भी स्टार्टअप है चाय का, आप अभी टेस्ट करिएगा, आपको खुद पता चल, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या है। अभी तैयारी कर रहे हैं इसके साथ? मैंने किया था 2018 तक किया था, UPSI UPP सारी चीज़ें करके अच्छा खासा मार्क्स भी आए थे मेरा मेंस। तो मैं यही कहूँगा कि किसी को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, अपना एक कुछ भी देखिए थोड़ी चीज़ स्किल्ड होना पड़ेगा हमें, जैसे स्किल इंडिया है और काफ़ी सरकार ने जो सपोर्ट कर रही है उस पर हमें काम करना पड़ेगा। वो उस पर उसके लिए भी जैसे कि अब ये नहीं है कि आप बैठे रहें इंतजार में कि वही आएगा, वही नौकरी में ही पाऊंगा तभी कुछ होगा। इस सरकार में अगर मैं तीन काम पूछूं आपसे कि जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करता है, क्या नाम पड़ेगा आपका? रामधनी मौर्य। रामधनी मौर्य जी, जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करता है वो बताइए तीन काम यहाँ के लिए। यहाँ के लिए तो पूरे सरकार के कार्य को, लाइन ऑर्डर हुआ तो, हाँ पहले तो हमारा जो कानून व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हो गई। पहले आप यहीं इंदिरा बाल विहार, मतलब आप तो पता ही होगा कि फेमस था गुंडागर्दी, मतलब यहाँ पे आपको हर चाय पी के लोग निकल जाते, चाय पी के निकल जाते थे, या गुंडागर्दी तो वो चरम पे थी, वो आपको कहीं भी अभी देखने को नहीं मिलेगी। प्लस आपको देख लीजिए आपकी कानून सड़क की यातायात को देख ही रहे हैं इस समय, सब जगह लग गया, थोड़ा कष्ट है लेकिन यातायात व्यवस्था तो बाबा बुलडोजर वाली व्यवस्था, हाँ वो तो भैया एकदम शानदार है, पूरा पैसा लोग देख जाते हैं, पूरा कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, और भी कुछ लोग हैं, आप कुछ बोलेंगे कि नहीं? इनसे कुछ ताकत मिला है ना, कुछ बोलिए, आपका नाम बता दीजिए। सर्वेश कुमार। आगे नहीं कुछ
क्या क्या सरकार का जो 100 दिन पूरा हुआ है उस पर क्या कहना चाहिए? बहुत खुश हैं हम। वो तीन काम बताइए जो आपके खुशी का कारण है। सबसे पहले हमको हमारे गांव पे हमको बिजली नहीं मिलती थी, 8 घंटा मिलता था, वो भी एक हफ्ते रहता था एक हफ्ते नहीं रहता था। आज हमको 16 से 20 घंटे तक बिजली मिलती है। हमारे वहाँ हम लोग इतना पानी घुस के चले जाते, गाँव पर हमको नहीं मिलता था। कौन सा गाँव पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा? लालपुर पड़ता है, विधानसभा ये बासगाँव विधानसभा। तो दोबारा जिता दिए वही विधायक जी का बिमलेश पासवान। हाँ, बिमलेश पासवान, कमलेश पासवान दोनों लोग हमारे वहाँ। आपका नाम क्या बताया? सर्वेश कुमार। सर्वेश जी, एक तो आपने कहा गांव में रोड नहीं था, रोड बन गया, बिजली नहीं थी, बिजली बन गई, तो और तीसरा काम? तीसरा काम है कि लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, ये है वो। मान लीजिए हम पढ़ेंगे नहीं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम उतना नहीं पढ़े लिखे थे तो हम प्राइवेट नौकरी करते हैं। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे होते तो हमें भी सरकारी नौकरी मिलती। हो बड़ा अच्छा बोल रहे हैं आप, बोलने की तैयारी नहीं। नहीं भैया ऐसा नहीं, अच्छा नहीं बोल रहे हैं हम, बहुत कम जो नहीं पूछ रहे। महंगाई पे क्या आपका कहना? महंगाई तो है, तो है। इस चीज़ को तो कहेंगे महंगाई है, जो है उसको क्या बोलने में, तो बोलने में महंगाई तो है। तो 100 दिन में क्या चाहेंगे कि अब बाबा जी क्या चेंज करें? सुन लीजिए, एक जब कोई व्यक्ति किसी खास क्षेत्र से अगर विधायक होता है और वो वहाँ से मुख्यमंत्री होता है तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है ना। लोग हक से अपनी बात कहते हैं, क्योंकि आप लगभग 5 बार सांसद भी उनको देखते रहे हैं, लोगों के लिए वो संघर्ष करते रहे हैं। अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो आपकी अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में और क्या होना चाहिए? हम अपने क्षेत्र में ही चाहते भाई महंगा सारी और भी व्यवस्थाएं कुछ बढ़े वहाँ पे, जो चीज़ें हम लोगों को, जो हम लोग बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था वो हमें मिल रहा है। ठीक है, अब सारी सुविधाएं मिल रही है। जैसे पहले क्या होता था भाई, यहाँ दबाव किसी का रहता था, अब दबाव में गुंडागर्दी तो क्लीन एकदम। आप देखे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबसे ज़्यादा तो माफियाओं का आया है, इन पर बुलडोजर चला, इन पर कार्रवाई चली। बुलडोजर वाली बाबा की जो योगी जी की राजनीति है उससे आप सहमत? हाँ, हम सहमत हैं उससे, मतलब होना चाहिए। हम गलत करेगा उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, जो गलत चलना चाहिए एकदम एकदम, इसमें कोई शक नहीं। जो माफिया है आय से ज्यादा संपत्ति लोगों का, भू माफिया जो लोगों की जमीन पे लोग कब्जा किए हैं, बुलडोजर चलना चाहिए एकदम एकदम एकदम, इसमें कोई शक नहीं। कुछ कहना चाहते थे? मैं कहना ये चाहते थे कि पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में अगर लड़का नहीं पढ़ेगा, क्वालिफाइड नहीं करेगा, एग्जामिनेशन नहीं देगा तो कैसे नौकरी पाएगा? सर आप बता दीजिए हमें। अग्निपथ वाला तो आया है, जाइए करिए, 4 साल का है, कोई मतलब नहीं है अग्निपथ का। वो 4 साल में केवल उसको जान ही देना है, अगर कहीं कोई लड़ाई होती है तो 4 साल में अपनी जवानी गायब करके शरीर वापस आ जाए। 20 साल 15 साल का होगा तो 15 साल का जाब होगा तो उसमें भी तो लड़ाई कर। देखिए लड़ाई करनी है वो एक जज्बा होता है, अगर मीर के लिए 4 साल बाद वो छांट दिया जाएगा तो 75% 25% आप भर्ती करेंगे, बाकी 75% कहाँ जाएंगे? भाई साहब आपका क्या नाम पड़ेगा? अरविंद कुमार। कहाँ से हैं? हम गोरखपुर से हैं। क्या कहना चाहेंगे जो योगी सरकार के 100 दिन पूरा अभी तक तो सब कुछ ठीक है? हाँ। अपनी जगह पे। वो तीन काम बताइए जो आपको प्रभावित करते हैं। जैसे यातायात व्यवस्था सुधर गई है, और भी जो रुकावट थी रास्ते में, पब्लिक को दिक्कतें होती थी, वो सब दूर हो गई हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन पूरी तरह से पार्किंग व्यवस्था नहीं हो पाई है। यही सब कुछ चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं। और जो काम जो होने चाहिए, और जो काम जो वहाँ जहाँ जल जमाव की व्यवस्था है वही होनी चाहिए। सबके अपने अपने मत हैं, कुल मिला के औसत। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा? विश्वजीत सिंह। योगी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ठीक है, बढ़िया है। क्या बढ़िया है? जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ठीक है, और जो दूसरे इश्यूज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, और कुछ चीज़ें हैं जैसे फूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी हाइक हुई हैं, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई वही बोल रहा है ना, इन्फ्लेशन को लोगों ने गलत तरीके से देखा है। बता कंट्री के ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन इम्पोर्टेंट होता है। 5 से 6% होना बोल तो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू RBI मैक्सिमम इन्फ्लेशन 6% होना चाहिए, जो कि अभी 7% समथिंग दिख रहा है। तो बात यह है कि सारी चीज़ों में इन्फ्लेशन नहीं है, जैसे फूड ऑयल की बात हमने किया, पेट्रोल डीजल पे बात किया, तो कुछ चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है उसको करने। ओवरऑल ऐसे ही बिल्कुल हाइक सिचुएशन नहीं करनी चाहिए, जैसे बोला मतलब जैसे होता है कि हाइपर हो जाए। हाँ, वो नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ों के देखिए, कंट्री को अगर ग्रो करना है तो इन्फ्लेशन ज़रूरी होता है, लेकिन एक लिमिट तक होनी चाहिए। ये RBI भी क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कोचिंग में पढ़ाते हैं। किस कोचिंग? महिंद्रा एजुकेशन में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ाते हैं। इसीलिए ना समझा दिया आप, इकोनॉमी समझना चाहिए। और
बस हाँ हमें भी चाहिए वो कि थोड़ा सा जैसे क्या है ना कि आपको अभी जो देखने में जो तकलीफ हो रही है आम आदमी को, स्पेशली फूड ऑयल खाने वाला तेल है कुछ चीज़ें। आप तो इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, अभी जो जीएसटी का जो स्लैब है 5-8-28 करके गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद कुछ रेट को चेंज किया है, कुछ चीज़ों को जैसे कहीं पे 12% था तो उसको 18 पे करके लेके गए, 5 था तो 12 पे किया है, तो उन्होंने देखो देखिए आपको समझना पड़ेगा। हाँ हम भी थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ समझना पड़ चाहिए। गवर्नमेंट का जो बजट है वो डेफिसिट में है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये चाहती है कि देखिए दो चीज़ें होती हैं, आपको अगर ग्रोथ करना है तो थोड़ा सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं सरकार के पास कमाई का जरिया कम है। हाँ, वो पेट्रोल से डीजल से ही पैसे जो आए हैं उनका, पेट्रोल डीजल ही नहीं है दूसरे से भी रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उसमें जीएसटी का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है। जीएसटी का कलेक्शन डे बाई डे या बोले जाए मंथ टू मंथ बहुत ही इंक्रीज हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने जो एसेंशियल चीज़ें हैं जो आम आदमी जैसे मान लीजिए जो मेडिकल वाला जो इक्विपमेंट्स है उस पर जीएसटी का रेट बल्कि डिक्रीज किया है, बल्कि जो दूसरी चीज़ें हैं जहाँ पे जो अफोर्डेबल हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको शायद जहाँ तक हमें लगता है इंक्रीज़ किया है। तो इस सरकार को आप 10 में से कितने अंक? हम तो 10 में से 8-9 दे देंगे। बेरोजगारी पर क्या कहना, आप तो टीचर हैं, वैकेंसी कम? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वैकेंसीज का जहाँ तक है, देखिए गवर्नमेंट जो जॉब है वो गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका होता है वो ऐसा नहीं है कि मतलब सारे जॉब जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के जॉब देते हैं और मैक्सिमम रोल आपको सबको पता होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर का सबसे ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट उसी पे फोकस कर रही है कि सबसे ज़्यादा हम प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करें, बिजनेस लेके आएँ। अभी देखिए हमारे यहाँ इन्वेस्टर समिट हुआ है यूपी में, पूरे इंडिया में भी हुआ है, तो अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन तेज़ी से होगा, प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, मैक्सिमम लोगों को जॉब मिलेगी। हम लोगों को नो डाउट एक मेंटल लेवल होता है गवर्नमेंट जॉब चाहिए सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, बेनिफिट के लिए, बिल्कुल सही है मिलना चाहिए, लेकिन उनके भी अपने लिमिटेशंस हैं। उस बैंकिंग की तैयारी कराते हैं, एसएससी की तैयारी कराते हैं, इसमें जो सीटें कम आ रही हैं इस पर क्या कम नहीं आ रही हैं सीटें? देखिए ऐसा है कि सीटें दो वजह से इंक्रीज होती है, एक जो एम्प्लॉय रिटायर होते हैं गवर्नमेंट के चाहे वो बैंक के हों, और दूसरा अगर कुछ एक्सपेंशन होता है तो जब कभी कभी क्या होता है एम्प्लॉय किसी खास ईयर में ज़्यादा रिटायर होते हैं वैकेंसी ज़्यादा आ जाती है, कहीं कभी रिटायर कम होता है एक्सपेंशन कम होता है तो वैकेंसी थोड़ी स्लो हो जाती हैं, तो ये इसका मेन रीज़न है। मतलब ऐसे जैसे होता है ना कि हम सबको उसमें से कितना देंगे? तो 9 दे देंगे। आ जाओ इधर, तो और भी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है नाम क्या पड़ेगा। विनोद त्रिपाठी। विनोद जी, योगी जी का जो कार्यकाल है 100 दिन पूरा हुआ है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई सारा कार्यकाल, अब हमसे निजी क्या पूछेंगे, निजी मत पूछिए, समाज अगर उनके साथ कड़ा है वोट वो पा रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? आप भी तो हम समाज, हमारे कहने से क्या होने वाला है भाई, जनता वोट दे रही है उनको, एक एक वोट से सरकार गिर जाती है, आप कह रहे हैं हमारे कहने से वो, आप क्या कहते? हम कह के क्या करेंगे, हम अच्छाई कह के क्या करेंगे, जब पूरा देश गाय गोरु गोबर पर उलझ गया है, उसे न रोजगार से मतलब है, न उसे महंगाई से मतलब है, न इससे बिगड़ी हुई व्यवस्था से मतलब है, सारे विभाग खाली पड़े हैं, किसी विभाग में पैसा नहीं है, किसी विभाग में पैसा नहीं है, करोड़ों रुपया महीना हर विभाग को बिला वजह दिया जा रहा है, एसी में बैठ के और लाखों रुपया महीना ले रहे हैं सब, न कोई क्षेत्र में जा रहा है, न कोई बंधे पर जा रहा है, न कोई रोड देखने जा रहा है, मानक के विपरीत काम हो रहा है, हर समय लगातार काम हो रहा है और 6 महीने बाद ये सड़कें टूट जाती हैं, हर 6 महीने भी तो ठेकेदार नहीं, हम ठेकेदार नहीं हैं और कोई ऐसा काम नहीं है जो देश के खिलाफ हम लोग करते हैं, क्योंकि देश हित में हम लोग लगातार काम किए, लेकिन जनता जब तक हम लोग थे तब तक देश को ये जो पाकिस्तान और जो मुस्लिम कंट्रियां हैं लगातार उन कंट्रियों का ये उद्देश्य रहा कि जो भारतीय हिंदू और मुसलमान है आपस में उलझे और आपस में लड़े, जब तक कांग्रेस थी ये बात होने नहीं पाई, लगातार इस पर विराम लगा रहा, जब भी कोई बात आती तो होती थी तो इसका तगड़ा स्टेप लेके इस बात को खारिज कर दिया जाता था और करा दिया जाता था। आज का बेस दूसरा है, आज का कंडीशन ये है कि गाड़ल गाड़ल भूत उपटा के और समाज में एकदम जहर फैलाने का काम हो रहा है, क्योंकि जनता कहीं न कहीं मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुकी है और सही डिसीजन नहीं ले पा रही है, क्योंकि देखिए आज अगर ये महंगाई बढ़ रही है तो इसका वजह है जो फ्री राशन बांटा जा रहा है, फिर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया, वो सिर्फ वो राशन एक वोट हो चुका है,
राशन वोट में तब्दील है। बसपा खड़े बसपा पार्टी खत्म हो गई सिर्फ राशन पर। बसपा खत्म हो गई सिर्फ राशन पर और उज्ज्वला पर। उज्ज्वला और शौचालय और राशन, ये तीन ही चीज। कांग्रेस अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, योगी जी ने, कि विधान परिषद से कांग्रेस मुक्त हो गई है, एक भी सीटें नहीं है। नहीं, वो देश से भी कांग्रेस मुक्त हो जाएगी, क्योंकि जनता ही कांग्रेस थी। जब जनता नहीं रही तो फिर कांग्रेस कहाँ रह जाएगी। जनता इस समय जो कर रही है, खामियाजा भी भुगत रही है, जनता जान रही है, और फिर घूम के जनता आएगी कांग्रेस के ही पास। इस देश को कांग्रेस के अलावा कोई चला नहीं। अगर आपसे पूछे, बड़ा मुखर होके आप बोल रहे हैं ना, सारी अपनी पीड़ाएं आपने बताई हैं, आपका सीधे ये भी कहना था कि मुख्यमंत्री कार्य भेज रहे हैं, अधिकारी एसी में बैठे हुए हैं, है ना, अपने कार्य क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, सारी चीज। वो तीन काम जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है एक आम नागरिक के तरफ। एक क्या प्रभावित करने का, सबसे बड़ा मामला तो ये है कि जो बच्चे हमारे भविष्य हैं, उन लोगों का भविष्य ही अंधकार में चला गया। ये निजीकरण को लेके एकदम पूरी व्यवस्था असहाय हो चुकी है कि आने वाला समय क्या होगा, किस तरह से जीवन यापन होगा। हम लोग तो अब दो बच्चों को पढ़ाने और उन बच्चों का कैसे भविष्य सुधरेगा, इसी बात को लेके परेशान है। नहीं तो हम लोग देश की दिशा और दशा तय करते थे कि GSLV होना चाहिए, मोनोरेल होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए, इंटर कॉलेज होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। सब चीज़ों को हम नाराज लग रहे हैं। हम लोगों ने बनाया और बना के और जनता को जनहित के जितनी PSO हम लोगों ने बनाई वो जनहित में कार्य किया है, और जनता को आज स्टैंड करके और एक ग्राउंड ऐसा बनाया गया कि आज जनता आत्मनिर्भर हो चुकी। 14 में जब हम उतरे हैं इसको तो महाशक्ति इस देश को बना के उतरे हैं, लेकिन जैसे ही हम कुर्सी से उतरे इस पूरे देश के मोनोपोली को बदल दिया गया। हम कुर्सी से उतरे मतलब माने कांग्रेस कुर्सी से उतरे। कांग्रेस अगर नहीं गई होती तो आज जो देश में अफरा तफरी का माहौल है ये नहीं होने पाता, और ये कभी हम 50 साल होने नहीं दिए थे। इस तरह का स्टेप, किसी आदमी को नियम कानून सबके ऊपर बराबर चलता था, किसी को ये छूट नहीं थी कि ये हमारे पार्टी के हैं तो ये राष्ट्रीय मंच पर बैठ के और कुछ भी बोल देंगे और जनता के खिलाफ बोल देंगे। JP तो कह रही है परिवार मुक्त वंशवाद मुक्त होगा भारत। भाई राजनाथ, कांग्रेस एक फैक्ट्री की तरह चलाती है। राजनाथ सिंह के लड़के को, अगर राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह नहीं है, नायडू के लड़के, मुंडा के लड़के, मैंने पूरा परिवार, जितना पूरा BJP सारे लोग तो अपने बच्चे को ही आगे बढ़ाए हैं, दूसरे को कौन। तीन लोगों की पार्टी है। कौन? कांग्रेस तीन लोगों के अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। हम अध्यक्ष नहीं चुनते, हम इलेक्टेड बनना चाहते हैं। हम सेलेक्टेड कोई मतलब नहीं है, सेलेक्टेड तो बनाए ही लोग गए हैं जो लोग देश को चला रहे हैं। आज देश चल रहा है ना, बस खूब बढ़िया से विकास भी हो रहा है। बस सिर्फ मेन रोड से जो आप लूप लाइन पर कटिए, पूरा पोल सामने है आपके। आज के डेट में तो भाई विकास हो रहा है। गोरखपुर शहर के हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री हैं। भाई निजी बात हो तो गोरखपुर के वो मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर के लिए तो बेहतर है ही। गोरखपुर में काम हुआ? अरे भाई गोरखपुर में काम हो चाहे ना हो, हमारे घर का आदमी मुख्यमंत्री बना है तो इस बात का तो सब लोगों को गर्व है। अब उनकी पॉलिसी इस देश को कितना फ़ायदा पहुँचाती है ये जनता तय करेगी ना। 10 में से कितना? अब ये चूंकि हम जज नहीं हैं, हम डिसीजन नहीं दे सकते, बस जनता सर्वोपरि है और जनता ही सही जगह पर और सही लोगों को सही समय से पहुंचाती है। ये क्या नाम पड़ेगा? विनोद गुप्ता। गुप्ता जी, योगी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं दूसरे कार्यकाल के, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी है। क्या बढ़िया हुआ है? हमारे नज़र में तो सब अच्छा दिखाई दे रहा है। भाई साहब कह रहे थे सब नहीं, सब अच्छा दिखाई दे रहा है। अच्छा दिखाई दे रहा है? विकास दिखाई दे रहा है, यातायात पुलिस का व्यवस्था दिखाई दे रहा है अच्छा, अवैध ढंग से लोग गाड़ी नहीं चला रहे हैं। पानी लग गया था, अभी बरसात आई थी, हर जगह पानी। तो आम बात है, पानी तो लगना है, जब प्लास्टिक का सेवन होगा तो पानी लगना है नाली में। महंगाई, बेरोजगारी? महंगाई ठीक है, बेरोजगारी सब ठीक है। वो तीन काम पूछेंगे जो सबसे ज़्यादा गुप्ता जी आपको प्रभावित करता है, वो तीन काम बताइए। हमको विकास। विकास क्या? विकास तीन थे बता दीजिए। बहुत अच्छा लगा, हम नौका बिहार देख लीजिए,
बाबा के बुलडोजर वाली रात वो तो जी के लिए बहुत बढ़िया चीज है कि कम से कम भू माफिया तो भाग गए। हाँ पहले ज्यादा थे, बहुत आतंक मचा दिए थे। हाँ तो बुलडोजर वाली कार्रवाई होती रहनी चाहिए, हमेशा जारी रहे। हाँ। बाबा हमेशा मुख्यमंत्री बनते रहे। हाँ। बुलडोजर चलता रहे। तो आपकी जो तीन प्राथमिकता हमने पूछी थी उसमें पहला बुलडोजर है। हाँ पहला। दूसरा विकास है। तीसरा गुंडा ही रुक गया। तो आप देखिए जनता से हमने बात की, योगी सरकार के जो 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है, दूसरा कार्यकाल का 100 दिन पूरा हुआ है, सबने अपने अपने पक्ष रखे, जितनी मुँह उतनी बातें, लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों को कहीं ना कहीं कार्य पसंद आया। लोग बता भी रहे हैं कि किस तरह के कार्य हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि थोड़ी सी बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार को और कुछ काम करने की ज़रूरत है। लेकिन भाई साहब तो एकदम गजब, इनका मतलब पहला मुद्दा बुलडोजर एकदम एक नंबर पे। बुलडोजर एक नंबर। हाँ एक नंबर। कार्रवाई होती रहनी। हाँ जारी रहे एकदम। हाँ, अभी पक्ष कर रहा है। हाँ। हो जाए तेल हमसे लेना योगी। क्या तेल? अगर बुलडोजर बता दीजिए। विनोद गुप्ता तेल देंगे बुलडोजर। हाँ तेल देंगे। कितना देंगे? जितना भरा जाए उसमें। हाँ चलता रहे वो बुलडोजर, रुके ना। हाँ, रुके ना। तो देखिए भाई साहब ने अपने तरफ से घोषणा कर दी बुलडोजर का, अगर तेल खत्म हो। क्या नाम बताया? विनोद गुप्ता। विनोद गुप्ता जी से बुलडोजर का तेल ले लीजिए। दाएं से शुरू करें या बाएं से? बाएं से शुरू करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? अखिलेश कौशोधन। योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं दूसरे कार्यकाल के, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बेहतरीन रहा, पिछले जो 5 साल था इससे बेहतरीन काम था इस 100 साल में। क्या बढ़िया हुआ है? जैसे डेवलपमेंट हुआ या करप्शन हुआ, फिर इन सब चीज़ों में बेरोजगारी वहीं का वहीं है, महंगाई भी वहीं का वहीं है। देखिए महंगाई तो एक बड़ा इशू है इस पर। हाँ। इस पर नो डाउट गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए, बट सही बात यह कि महंगाई पर गवर्नमेंट अपने तरफ से जो एफर्ट लगा सकती थी, मुझे लग रहा वो 100% लगाई होगी। चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, किसी भी गवर्नमेंट में जब महंगाई आती है तो जानता है वो, गवर्नमेंट समझता है कि अगर महंगाई इस कदर बढ़ती रही तो लोग मेरे बारे में गलत बोलेंगे कि भाई इस सरकार में महंगाई बढ़ गई, ये हो गई। तो ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट ये चाहती है कि महंगाई को जो है कंट्रोल किया। कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से ही हूँ। जब किसी क्षेत्र से वहाँ का विधायक और वहाँ का लोकप्रिय व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है पूरे प्रदेश का, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और बढ़ जाती हैं। गोरखपुर में काम हो रहा है, आपको लगता है और होना चाहिए? गोरखपुर में कितना विकास हुआ है और क्या होना? सर देखिए मेरा ये मानना है कि विकास पूरे राज्य में एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, मैं यहाँ पे सांसद रहा हूँ तो इस अपेक्षाएं लोगों की बढ़ जाती तो गलत है ना वो अपेक्षाएं। मैं अच्छा एक बात बताइए, आप एक बार नाम ले लेंगे, गवर्नमेंट थी इससे पहले, ठीक, उन्होंने पूरे राज्य के विकास के लिए 300 करोड़ और अपने एक छोटे से गाँव के विकास के लिए 350 करोड़ रुपया उन्होंने बिल पास किया था, क्या ये सही है? पूर्वांचल के विकास की बात हो रही है ना? हाँ पूर्वांचल की शुरू हो जाता है। पूर्वांचल क्यों आप पूर्वांचल लेके चलेंगे? क्या हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी को पूर्वांचल के विकास के लिए चुना है क्या? नहीं, हम लोग पूरे राज्य के विकास के लिए चुना गया है और ये पूरे राज्य का विकास करें वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि केवल एक डिस्ट्रिक्ट को या फिर किसी एक स्पेशली मतलब कैटराइज करके कि हाँ पूर्वांचल को करेंगे, ईस्ट को नहीं करेंगे, वेस्ट को करेंगे, ये चीज़ नहीं सही है। कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट हो, वो गोरखपुर के विकास पर क्या कहें? भाई पहले से तो बहुत बेहतर रहा, पहले से तो काफ़ी बेहतर रहा, और ये चीज़ें मतलब बोलने की क्या चीज़ें दिखती भी हैं, जैसे रोड नाली बनना। एक तरफ सरकार का कहना है कि इनका लॉ एंड ऑर्डर बड़ा बेहतर है, तो ये बुलडोजर वाली राजनीति को आप कैसे देखते हैं? विपक्ष कहता है कि केवल ये एक पक्षी कार्रवाई करते हैं। नहीं भाई, बुलडोजर एक बात बताइए, जो भी बुलडोजर चल रहा है तो ऐसा थोड़ी इलीगली चल रहा है, उनके पास प्रॉपर मतलब चीज़ों का प्रोसेस है कि हाँ भाई आपकी ये चीज़ें गिराई जा रही हैं, क्यों गिराई जा रही हैं, तो उनके पास आंसर उस चीज़ का, यानी कि आप गलत है तभी आपकी गिराई जा रही है। अगर आप सही होंगे तो उस चीज़ पे मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति रहेंगे वो भी नहीं आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, आप गलत रहेंगे तभी बुलडोजर आप पे चलेगा। वो तीन काम बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पहला ये जो गुंडा राज के हटाने के लिए जो ये बुलडोजर चलाया जा रहा है वो बेहतरीन काम है, क्योंकि इससे लोगों के मन में डर है। अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे आप कि किसी कोई एक माफिया था, उसके घर बुलडोजर गया, वो डर के मारे अपने आप को सरेंडर कर दिया। इसके पहले क्या होता था, वही माफिया खुल्लम खुल्ला घूमता था, ठीक, उसको उसके पीछे हमारी पुलिस प्रशासन परेशान रहती थी, लेकिन किसी तरीके उसको कैच नहीं कर पाती थी। दूसरा जो ये रोडों का जो जाल बिछड़ा आपने, वहाँ जो ट्रैफिक है, जो हम लोग का डिस्टेंस है, ये सब चीज़ें इतना मिनिमाइज हो जा रही हैं कि जो मतलब लग रहा है कि हाँ हम अब धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तीसरा एक लाइन आर्डर आपने बता दिया, रोडों का जाल बता दिया, ट्रैफिक बचा दिया, तीसरा
यादें नहीं आ रहा है? हा? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं भाई देखिए दस में से कितना अंक? दस में से मैं दस ही देना चाहूँगा। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? 100 दिन के कार्यकाल, 100 दिन का कार्यकाल बहुत शानदार है इनका। आप दो काम जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा हो? हमें पहला काम तो जो इनका रोड का है और दूसरा जो माफियाओं पे इनका। और दो काम जो सरकार को करना चाहिए? सरकार को एक थोड़ी महंगाई पे ध्यान देनी चाहिए, दूसरा रोजगार, बस रोजगार। 10 में कितना देंगे? 10 में 10। तो आप देखिए जनता 10 में 10 दे रही है। भाई साहब क्या कहेंगे? आप नहीं बोलेंगे तो आप देखिए जनता ने अपना मत रखा, भाई साहब ने बताया, भाई साहब ने कहा कि सरकार के 100 दिन का कार्यकाल ठीक रहा लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को कार्य करना चाहिए। कैमरा संभालने सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।